विधानसभा चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने जनपद के प्राइवेट स्कूलों के वाहन मालिक व प्राइवेट बसों के वाहन मालिकों के साथ कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक की, जिसके संबंध में सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने बताया कि जनपद के 9 विधानसभा चुनाव में 3 मार्च को चुनाव होना है, जिसको लेकर वाहनों के अधिग्रहण व वाहनों की उपलब्धता को लेकर बैठक की गई है तथा इस बैठक में प्राइवेट स्कूल के मालिक, प्राइवेट बसों के वाहन स्वामी शामिल रहे। उन्होंने कहा कि सभी वाहन स्वामियों से वाहन को समय से उपलब्ध कराने को लेकर चर्चा की गई है, जिससे विधानसभा चुनाव में वाहनों को लेकर किसी तरह की समस्या ना हो तथा सभी वाहन स्वामियों को 27 फरवरी की शाम तक अपने वाहन को DDO विश्वविद्यालय के ग्राउंड में जमा करने के लिए निर्देशित किया गया है, जिससे पोलिंग पार्टी के रवानगी के समय विधानसभा कार्मिकों को कोई दिक्कत ना हो। इसके साथ ही यह भी प्रयास किया जा रहा है कि पोलिंग पार्टी के रवानगी के समय एक दिन पहले ही सभी व्यवस्था सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में वाहन के ड्राइवरों को अलग से निर्देश दिया गया है कि पोलिंग पार्टी रवानगी के समय टाइम से बूथों पर वाहनों को पहुंचा दे, जिससे कि मतदान कराने में किसी कार्मिक को समस्या ना हो। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में कुल 850 वाहनों की आवश्यकता होती है, इसलिए 1250 वाहनों को अधिग्रहण किया गया है, क्योंकि अगर कोई वाहन खराब हो जाए तो तुरंत मौके पर भेजकर काम को आगे बढ़ाया जा सके। इस अवसर पर RTO अनीता सिंह, ARTO श्यामलाल सहित सभी वाहन स्वामी उपलब्ध रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने कहा, जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि आगामी चुनाव जो 3 मार्च होना है, उसकी तैयारियों के संदर्भ में ये वाहनों के उपलब्धता को लेकर के हमारे निकाय होंगी उस सहभागिता के बारे में और अपने वाहनों की यहाँ पर सही समय पे आने की सुनिश्चितता प्रदान करने के लिए ये मीटिंग आयोजित की है, जिसमें आपका सहयोग की आवश्यकता है। आप सभी को मालूम है कि जिलाधिकारी महोदय ने आज ये जो मीटिंग 11:30 बजे से आहूत की है, प्राइवेट वाहन हैं चाहे रोडवेज की अनुमोदित बसें हैं, हर प्रकार की वाहन अपने निश्चित समय टैक्सी में, जैसे फॉर एग्जांपल मैं देखूं तो हमारे रोडवेज के एम साहब मौजूद हैं और कुल हमारी 104 अनुमोदित बसें हैं और इन अनुमोदित बसों को रिक्वेजिशन हमारे गए हुए हैं उनको, और विशेष रूप से हमारे RTO एडमिनिस्ट्रेशन ने कल उनको पुनः भिजवाया है। तो मैं आपसे ये अनुरोध करूंगा, एक बार जिला प्रशासन को हम ये आश्वस्त करते हैं कि जो भी आपकी 104 बसें हैं वो समय से हमारे यूनिवर्सिटी कैंपस में 27 की शाम से अपराह्न पहुंचना सुनिश्चित हो जाए। और ये है बसें, चूंकि आगामी चुनाव के लिए भी आपको जैसा कि मालूम है शासन ने निर्देशित किया है कि जो आजमगढ़ में हमारा चुनाव है 7 मार्च को, उसके लिए भी बसें कंटिन्यू करेंगी फर्दर, तो उनको आप जो है ये रिक्वेजिशंस अगला भी रिक्वेजिशंस आपको हम उपलब्ध करा देंगे। और लोगो वो जो स्कूल के आए हुए प्रतिनिधि हैं उनसे मेरा आग्रह है कि चाहे उनके स्कूल में है चाहे और भी टेम्पो ट्रेवलर वगैरह हैं, वो सभी वाहन जो है यूनिवर्सिटी कैंपस में 27 फरवरी को अपराह्न तक 2 बजे तक भिजवाना सुनिश्चित करेंगे। मैं अटेंडेंस, उन्होंने अपनी गाड़ियों को टेलीफोन से भी कहा था, रात में हमारी आवश्यकता थी जबकि अरुण आपने फोन किया था, तो उन्होंने उस गाड़ी को तत्काल गोला से उपलब्ध करा दिया और वाहन 30 लोगों को लेकर इमीडिएट आ गई। तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों की सक्रिय सहभागिता बिल्कुल अच्छी है, लेकिन प्रशासन ये एश्योर होना चाहता है कि उस दिन के लिए हम कहीं से कोई कमी तो नहीं आने पा रही है, या कोई और आपका भी सुझाव होगा तो उस पर भी विचार किया जाएगा। सबको पता है कि 3 मार्च को यहाँ पे इलेक्शन है, ठीक है, और उसमें हम लोगों को करीब करीब 860 गाड़ियों की आवश्यकता है, ठीक है। क्या सबको अधिग्रहण मिल चुका है? कोई ऐसा है जिसको रिक्वजिशन नहीं मिला है? यहाँ बैठे हुए कौन को आश्वस्त कर रहे हैं? सबको मिल गया है ना, तो रिक्वजिशन का महत्व आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है कि उसका क्या मतलब होता है। हमने आपसे गाड़ियां 27 से मांगनी शुरू की है, तो ये ना हो कि हम आज नहीं, हम कल दे रहे हैं, हम परसों दे रहे हैं, हम 1 तारीख को देंगे। देखिए, जितनी जल्दी आप गाड़ी देंगे उतनी जल्दी हम लोगों का काम आगे बढ़ेगा। गाड़ियों को उस पर पर्ची चिपकाना होता है, डीजल लगवाना होता है, उसको विधानसभा वाल खड़ा करना होता है, और कई कई विधानसभा बहुत दूर है, तो सबका एक बार आप हमें भी आश्वस्त होना पड़ता है सारी गाड़ियां टाइम पे आ जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वरना क्या था, अभी आ रही हैं, अभी चल रही हैं,
ये कंडीशन मत करिएगा उस दिन प्लीज। ये रिक्वेस्ट है हम लोग हमारी आपसे कि 27 की रात तक हम वेट करेंगे आपका, पूरी रात वेट कर सकते हैं, लेकिन कोशिश ये रहेगी कि 27 को हमारी सारी गाड़ियां कंप्लीट हो जाए। प्रशासन या ट्रांसपोर्ट विभाग उसके अलावा 27 तारीख की अपराहन तक 12-1 बजे तक गाड़ियां आनी आनी चाहिए, हमारे पास उनको नोट हो जाना चाहिए कितनी गाड़ी आएगी। इसका सबसे इम्पोर्टेंट कारण और क्यों ये ऐसा कह रहा हूं मैं, क्योंकि 27 तारीख की शाम को 8 बजे माननीय ऑब्जर्वर महोदय जो है वो देखेंगे आके ग्राउंड में कि क्या स्थिति है बसों की। तो हम सिर्फ एक कागज के टुकड़े भरोसा नहीं कर सकते कि आप कल लेके आ जाएंगे, इस उस पर हमारी क्रेडिबिलिटी नहीं रहेगी, आपकी भी नहीं रहेगी। हमें एकदम क्लियर ये चाहिए कि मेरे पास कितनी बसें आ गई हैं, किसी का इनकेस स्कूल में एग्जाम है या वो है तो उसको किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, 4 बसों में 2 बसों में हो जाए, 1 बसों में हो जाए, जैसे हो जाए, पर हमें 27 तारीख की 12-1 बजे तक पूरा हमारी डिमांड जो है वो हमें मीट कर लेनी है। एनी हाउ 28 के लिए अगर हम और मैडम अगर इनकेस किसी को सोचते हैं कि ये उपयुक्त है तो उनके लिए एग्जम्पशन देंगे। तो 27 से 28 आप किसी भी हालत में आपको नहीं जाना है, पहला इशू ये है। दूसरा, 27 तारीख को जब बसें यूनिवर्सिटी ग्राउंड में आके खड़ी हो जाएंगी तो वहां पे बस के साथ ड्राइवर और चालक और खलासी जो होते हैं, चालक खलासी दो लोग होते हैं, तो उनके लिए हम लोग इस बार पानी के टैंकर्स लगवा रहे हैं अलग से जल निगम से और पर्याप्त मात्रा में रहेंगे। इसके अलावा हम खाने के काउंटर लगवा रहे हैं जो कि अभी तक पेड है, पेड की बात हो रही है कि वो ऑन पेमेंट बेसिस पे अगर चाहें तो वहां से खाना खा सकते हैं, ताजा खाना वहां बन के रखा रहेगा। हम इसमें और क्या रिलैक्सेशन कर सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं, ये हम अभी सोचेंगे, इस पर बात करेंगे, ठीक है, वो हमारे इंटरनल डिस्कशन है। बैठक की हुई है वहां सामने देखिए, विधानसभा चुनाव 3 मार्च को है, उसके लिए वाहनों के अधिग्रहण और वाहनों की स्थिति के संबंध में बैठक की गई। इसमें जो भी स्कूल के ओनर्स हैं, इसके अलावा जो प्राइवेट बस ओनर्स हैं और जो भी और व्हीकल्स के एसोसिएशन के हैं उनके साथ बैठक की गई, जिसमें ट्रांसपोर्ट विभाग और पूर्ति विभाग के अधिकारी भी साथ में सम्मिलित थे। सबसे पहले हमारी जो डिमांड थी उसके संबंध में चर्चा की गई और उस संबंध में कितने वाहन की उपलब्धता है इसके बारे में बात की गई। तो जितनी हमारी डिमांड है उससे हमारे पास वाहन ज़्यादा ही संख्या में है, तो वाहनों की इसमें कोई कमी नहीं है। इसके अलावा जो पार्टी की रवानगी होगी यूनिवर्सिटी के कैंपस से, तो वहाँ पे वाहनों की पोजीशन क्या रहेगी, कहाँ उनको खड़ा कराया जाएगा, किस तरह विधानसभा वालों की उनके व्यवस्थित रूप से खड़ा कराया जाएगा और पार्टी को कैसे सहूलियत रहेगी अपने वाहनों को पहचानने में, इस बारे में डिटेल में चर्चा की गई है। और यह इंश्योर किया जा रहा है कि पार्टी रवाना होने के एक दिन पूर्व सारी व्यवस्थाएँ वहाँ पर एकदम चाक चौबंद रहें। इसके अलावा सभी जो पोलिंग पार्टीज रहेंगी उनको अपने गंतव्य स्थान तक पहुँचाने के लिए सभी ड्राइवर्स और खलासी को अलग से भी निर्देश दिए जा रहे हैं कि उनको भी उनको सही से हर चीज़ ट्रेन किया जा रहा है, इसलिए वाहन स्वामियों को अलग से बताया गया है। तो समस्त वाहन की व्यवस्थाएं जो हैं अभी तक एकदम सही चल रही हैं और आशा है कि पूरे चुनाव में वाहन के संबंध में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। कितने वाहन लगाए जा रहे हैं? देखिए, वाहनों की छोटे वाहनों और बड़े वाहनों की अलग अलग संख्याएं हैं जिसकी डिमांड है, जैसे सेक्टर जोनल मजिस्ट्रेट के लिए अलग वाहन की आवश्यकता होती है। इसके अलावा जो पार्टीज के रवाना करने के लिए लगभग 850 वाहनों की आवश्यकता है जो कि हम मिनी बस और बसों से पूरा करेंगे। इसके अलावा कई ऐसे होते हैं, कई ऐसे अधिकारी होते हैं जिनको छोटे वाहन की आवश्यकता होती है, तो उनके लिए भी हमने लाइट मोटर व्हीकल्स की व्यवस्था की हुई है। तो कुल मिला के 1200 से 1250 वाहन के में पूरा चुनाव संपन्न हो जाएगा।